वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अक्टूबर 2 है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, पुरस्कार तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये पुरस्कार जो मुझे मिला है, ये मैं उसको बहुत मानता हूँ। महात्मा गांधी जी, हम जब छोटे थे, स्कूलों में हमको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया, दांडी मार्च के बारे में बताया, नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया, और एक चीज़ सीखी थी जो मेरे लिए एक मोटिवेशन बन चुका है और अभी तक है और रहेगा, कि अगर आप कोई चीज़ पर सच्चे दिल से मेहनत करो। जब हमारे पास फिल्में नहीं होती थी, जब हमारे पास काम नहीं होता था, कभी कभी हम निराश हो जाते थे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज निर्माता निर्देशक हमें काम देंगे कि नहीं देंगे, तो मुझे गांधी जी से प्रेरणा बहुत मिलती थी कि अगर आप हिम्मत करो, मेहनत करो, अच्छे गाने बनाओ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। आज मैं ये पुरस्कार लेकर बड़ा अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे पिताजी याद आ रहे हैं। वो कहते थे, सच्चे दिल से काम करो, कहीं ना कहीं पहुँचोगे। और बापूजी का ये अवार्ड ऑन अक्टूबर 2 इज़ अ बिग अचीवमेंट। बड़ा भावुक हूँ, बड़ा इमोशनल हूँ। मैं बचपन में गाने बनाता था, कसम लिए हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। 16 साल की उम्र में ये बुखड़ा मैंने लिखा था,
उसके बाद संदेशे आते हैं जो गाना आज भी लोकप्रिय है, बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, एलओसी कारगिल हो, बहुत मैंने काम किया। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पुरस्कार है जो मैं अपने सीने से लगा कर रखूँगा। मेरे परिवार को बहुत खुशी होगी, मेरी मिसेज, मेरी दो बेटियों को बहुत खुशी होगी कि डैडी को ऐसा अवार्ड मिला है। सभी महात्मा गांधी जयंती पर मिलता है तो ये उसके उसको प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिलता है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है और काम करने की एक नई ऊर्जा, नया जोश आता है और लगता है कि दर्शकों का प्यार मिल रहा है और हमें उनके लिए उस प्यार को के बदले में बहुत अच्छा काम करना है ताकि वो प्यार हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। तो आज मुझे कृष्ण चौहान के इस मंच पर दादा साहब फाल्के के परिवार के सामने मुझे ये अवार्ड मिला है, मैं उनका, कृष्णा जी का और पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और कोशिश करूँगा कि हमेशा अच्छा काम करूँ और लोगों तक सच्चा और प्यारा मनोरंजन पहुँचाता रहूँ। महात्मा गांधी रत्न अवार्ड, महात्मा गांधी जी की जयंती है, कितना आपके जीवन महत्व रखते हैं? महात्मा गांधी जी हमारे तो पूरे देश के लिए बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक तरह से एक नया भारत निर्माण किया है। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हम लोग गुलाम थे, उसके बाद में जब आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी के विचारों पर हम लोग सदियों से चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे और राष्ट्रपिता का खिताब उनके पास में। और महात्मा गांधी एक 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 शब्द है, एक नाम है जिसमें पूरी दुनिया, एक पूरे विचार शामिल है। जी बहुत 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 धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं लेकिन महात्मा गांधी जी को याद किया, राष्ट्रपिता जी को इन्होंने याद किया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको सलाम किया। इस मौके पर हमको भी एक छोटा सा अवार्ड मिला है हंसाने के लिए। मैं बहुत बहुत हृदय से कृष्णा चौहान जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। एक जगह है वो हमारी चंपा जी की है, आपकी मिसेज हैं और दोनों कंधे से कंधा मिला के ज़िंदगी में चले हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बी आर फिल्म्स वॉज द बेसिक थिंग विद अस। मैं डबिंग करता था और आप रिकॉर्डिस्ट थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डिस्ट ओवर देयर एंड ऑफ कोर्स चंपा जी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट देयर, वहाँ भी बेस्ट थे और जिस पोस्ट में आज हैं तिवारी जी वहाँ पर भी ये बेस्ट हैं। ही इज़ द बेस्ट मैन। यस, बाकी आप शुरू कीजिए। थैंक यू जी। फिर से काफ़ी जान 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती पर आपको अवार्ड दिया जाएगा। अब मैं बहुत खुश हूँ इस अवार्ड को पा करके और मैं चाहूँगा कि देश का हर आदमी जो गांधी जी के नियमों को मानता है उसको अवार्ड मिले ना मिले, मगर हर वो जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है उसको अवार्ड का हकदार होता है और सबको अवार्ड मिलता है। आप अपने मन में जी सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो डेली आपके लिए अवार्ड है। गांधी जी की जयंती की जरूरत नहीं है, कभी भी अवार्ड मिल सकता है। इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज है आपके? इंडस्ट्री के लिए मैसेज है कि आप कोरोना काल में परेशान न हो, सिनेमा खुल रहा है 22 तारीख से, सब लोग प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। यही कोशिश करें कि सिनेमा जो है आज 50% की कैपेसिटी से खुल रहा है वो बंद न हो जाए, 100% जल्द से जल्द हो और सब मिलकर के काम करें। इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाना है, 2 साल का जो गैप है उसको बहुत जल्द पूरा करना है। साथ ही इंडस्ट्री ने जो आपको दिया है, जिनकी बदौलत मिला है, जैसे दादा साहब फाल्के हैं, उनको भी याद रखें। इसी याद को रखते हुए, याद करते हुए हमने स्टैचू बनाने की बात सोची है और आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, द फादर ऑफ द नेशन। इट्स ए ग्रेट फीलिंग कि सारा हिंदुस्तान एक है और ये आज़ादी में उनका जो एक एक उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको कोई भुला नहीं सकता है। सर, कोई भी जो है बेटा तरक्की करता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। आज आपके बेटे को बेस्ट कमेंटेटर अवार्ड मिला है, अचीवमेंट क्या? मैं अपने अवार्ड को पीछे रखूंगा लेकिन आई एम सो हैप्पी कि माय सन गॉट द अवार्ड। ही इज़ ए IPL कमेंटेटर और ही इज़ ए सेल्फ मेड बॉय, नेम इज परस बख्शी और वो स्पोर्ट्स अड्डा के IPL के एक आज भी वो लाइव हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि ही इज़ ए सेल्फ मेड और वो मेरी किसी भी तरह से मेरे परसोने की छाया उनके ऊपर नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कि बस ये है कि ही इज़ माई सन और उसने आज एक अवार्ड जीता है।
किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी है, अचीवमेंट के ऊपर पड़ी है. आई एम सो हैप्पी कि पारस बख्शी हैज़ गॉट द अवार्ड. आई एम रियली वेरी हैप्पी, इमोशनली वेरी हैप्पी. हम एक बाप अपने बेटे को बड़ा होते देखता है तो मुझे खुशी है कि आज उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है. माँ गांधी का अवार्ड है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, क्योंकि जब ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया जाता है तो हमें और भी आगे काम करने का मौका मिलता है. और जैसे कि सब दुनिया में जानते हैं कि जो हमारे बापू जी हैं वो शांति का संदेश देते थे, उन्होंने आज़ादी में भी हमारा साथ दिया है और शांति से दिया है. वो हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा से सब काम करवाया है. आपका कुछ लाइफलाइन फाउंडेशन भी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लाइफलाइन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरा नाम अरुणा नाम है और हमने बहुत सारे कोरोना में काम किए हैं. गर्ल चाइल्ड के लिए बुक्स वगैरह दी हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको हमने राशन बांटा है. मीडिया को भी हमने हेल्प किया है, छतरियाँ बांटी हैं और छोटे बच्चों को बुक्स वगैरह, सीनियर सिटीज़न को वैक्सीनेशन वगैरह कराए हैं. तो ये हमारा फाउंडेशन का नाम है, लाइफ एंड फाउंडेशन. आज महात्मा गांधी जयंती जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए, महात्मा गांधी तो यही कहते हैं कि शांति रखिए और शांति से ही सब काम होता है और शांति से ही सबको जीता जा सकता है. तो मैं आप सबको वही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी काम करना है शांति से करिए, हिंसा मत करिए, अहिंसा से सब काम निपटाइए. और आगे वाला कुछ आपका प्रोजेक्ट मैम? हाँ, मेरा लाइफ एंड फाउंडेशन के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और अभी आगे भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल वो प्रोसेस में है. सही कहा आपने, मैं भूल गई थी, शुक्रिया आपने याद दिलाया. लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और हम पूरे भारतवासी उनको सम्मान देते हैं और उनका भी हम जन्मदिन मना रहे हैं, बापू जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी. सबसे पहले आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक. इन दोनों की वजह से हमारा देश जो आज़ाद हुआ है और सबसे मेहनती और सबसे सभ्य, मैं कहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, बहुत नर्म मिजाज के, बहुत अच्छे से काम करने वाले, खुद से काम करने वाले बहुत अच्छे इंसान थे. और इस अवार्ड के बारे में ये कहूँगी, महात्मा गांधी जी के लिए मिला है मुझे और काम के लिए मिला है, जो मैं इनके लिए सोशल वर्क जो कर रही हूँ उसके लिए मिला है और इन्फ्लुएंसर्स के लिए मिला है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल द वे अगेन. भाई गांधी जी की वजह से आज हम लोग हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं. उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश की वजह से हमारा मुल्क, हमारा देश आज़ाद हुआ. आज गांधी जयंती हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं. ये बात अलग है कि दो साल से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग थोड़े से भीड़ भाड़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं और आज इसी मौके पे हमको गांधी रत्न अवार्ड दिया गया है कृष्ण चौहान जी की तरफ से. मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यहाँ के जो जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारी मैडम, हमारे इलाके के जो विधायक हैं, MLA हैं, भारतीय जनता जी, महेंद्र चौहान जी और जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना इसलिए चाहूँगा कि कृष्ण चौहान जो है बहुत ज़मीन से ऊपर आए हैं, बहुत नीचे से उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर के प्रोडक्शन इंचार्ज बने, उसके बाद फिर ऐसे अवार्ड्स शो शुरू किया जिसमें हम लोग हमेशा शामिल होते हैं. जैसे कि आज महात्मा गांधी जयंती जी भी है और जाकर के आज अवार्ड का भी नाम भी महात्मा गांधी रत्न अवार्ड रखा गया है, तो उसके लिए क्या खुशी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. मैंने बताया पहले कि गांधी जयंती के मौके पर गांधी अवार्ड मिलना ग्रेट ऑनर. हम जैसे लोगों को, हमारे काम को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री को सलाम करता हूँ जिसकी वजह से आज लोग लखनऊ को जानते हैं, अली खान को जानते हैं, इंडस्ट्री के कलाकारों को जानते हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है. तो मैं सबसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिला गांधी जयंती के मौके पर, गांधी अवार्ड, कृष्णा चौहान जी का, इनकी पूरी टीम का और मीडिया का, जो लोग हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं. मुझे याद है कि जब मैं कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, मैं 1.5 महीना बेड पे था, तब भी मीडिया का हमेशा मैसेज आता था मुझे, लोग मुझे सपोर्ट करते थे. उसी दौरान मैंने अपनी वाइफ को खोया 15 जून. मुझे एक मालिक ने एक सेकंड लाइफ दी है, चूँकि बहुत सारे काम मुझसे लेने हैं, इसलिए मैं बच गया. ऊपर वाले का थैंक्स लॉर्ड और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. मेरी बीमारी के दौरान भी लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और इस अवार्ड के लिए फिर से एक बार थैंक यू सो मच.
मेरे लिए बहुत, मैं चंद्रशेखर पुसालकर मेरी पहचान कर रहा हूँ, मैं दादासाहेब फाल्के की नाती हूँ जी, उनके लड़की का लड़का, और आज बड़ा दिन है मेरे लाइफ में, सेकंड अक्टूबर आज गांधी की, महात्मा गांधी का बर्थडे है जी, प्लस लाल बहादुर शास्त्री जी का है, और प्लस ये दिन ही अपना सही दूरदर्शन भी चालू हो गया, तो ये बात जुड़ी है, और आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माई ग्रैंड फादर दादासाहेब फाल्के, जो महात्मा गांधी भी मेरे एक रोल मॉडल थे, प्लस मेरे नाना जी के, महात्मा जी ने देश को स्वतंत्रता उनके सेक्रीफाइस दी, तो मेरे ग्रैंडफादर थे दादासाहेब फाल्के ने फिल्म लाइन में आत्मनिर्भरता लाई, क्योंकि सब कुछ फॉरेन का था, लेकिन बाद में दादासाहेब ने आत्मनिर्भरता ली फिल्म लाइन में, तो दोनों का एक महान काम है, वन इज़ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, इज़ द फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और ये दोनों के सहारे मेरी, मैं ऐसे एक मेरे लाइफ गया, इट वॉज वेरी स्मूथ पीस, आई एम द पीस लिविंग, मेरे पास चांदी सोना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सोने जैसे आदमी को इकट्ठा हमने किया है, मैं बोल सकता हूँ। दरअसल पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कृष्णा चौहान फाउंडेशन को, कि कृष्णा चौहान फाउंडेशन ने इतना बढ़िया अवार्ड आज आयोजित किया है, आज शुभ दिवस है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस भी है, और सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के आदर्शों को हमें आगे लेके जाना है, और यही सही मौका है जब भारत के लोग उनको फॉलो करें, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाएं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो गांधी जी के, कभी कभी मैं फाइंड आउट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे उनके मेमेज चलते हैं, कभी नॉट के ऊपर कुछ चलता है, तो वो सब बंद होना चाहिए, गांधी जी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ऐसा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होना चाहिए, सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे अवार्ड और भी आगे जाके प्रोत्साहित करते हैं लोगों को और अच्छा मार्ग दिखाते हैं, तो ये कारवा चलते रहना चाहिए जो कृष्णा चौहान जी ने शुरू की। महात्मा गांधी जो है हमारे भारत के पिता बोला जाता है, उनको बापू बोला जाता है, आज उनके नाम का मुझे अवार्ड मिला है, हर बेटी अपने फादर की लाडली होती है, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अपने पापा के नाम का, बापू के नाम का जो अवार्ड मिला, और मैं हिंदुस्तान से मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला कृष्णा जी के NGO से, और मुझे सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है, दैट मेक्स मी ट्रूली मोर इंडियन, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतना सारा अवार्ड्स मिला है, साथ ही मुझे बहुत सारे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं समाज में मधुबनी पेंटिंग सिखाती हूँ, और उस सिखाने के कारण मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, रिकग्निशन दिया है, तो कृष्णा जी थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल अवार्ड, आई होप आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर, थैंक यू। खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, जो हम तलक पब्लिक तलक हमें पहुँचाती है, हमें ये अवार्ड दिलाने की हिम्मत जो जताती है, मैं काफ़ी खुश हूँ। महात्मा गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी रत्न अवार्ड दिया, बिल्कुल मैं काफ़ी खुश हूँ, और महात्मा गांधी जी का तो कहना ही क्या है, वैसे ही दिन शुभ है, अवार्ड मिल गया तो और डबल शुभ हो गया। तेजू भैया के बारे में हमारे डायरेक्टर जी बताएंगे, पवन जी। तेजू भैया एक देखिए बहुत सामाजिक, देखिए आज जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है, और हम लोग क्या है कि और हम लोगों ने मूवी का टीजर लॉन्च किया, और क्योंकि एक अच्छे दिन हम लोगों ने अच्छी चीज़ सोची, जो सामाजिक जो ये समाज में फैली हुई बुराइयों को कैसे दूर किया जाता है, समाज के लिए एक सामाजिक एक सोशल फिल्म है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक देखें, और हरियाणा के बहुत खूबसूरत लोकेशन में शूट की गई है, पूरे हरियाणा वासियों का सपोर्ट है इस पूरी फिल्म में, और हम लोगों ने जो ऑल इंडिया इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फिल्म रिलीज करने का प्रमोट करने का ज़्यादा, बस हमें यही है कि मीडिया कितना हमें सहयोग करती है, हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पब्लिक के 29 अक्टूबर को रिलीज कर रहे हैं ऑन इस 20 होल। हाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तभी तो मैंने 29 अक्टूबर रख दिया इनका दिस दिवाली। हाँ एक्चुअली ये फिल्म की प्रोड्यूसर है सुष्मिता शौकीन जी, और मेरी नेक्स्ट पिक्चर है सुष्मिता, खुद इनके ऊपर कहानी बनी है, खुद सुष्मिता जी के ऊपर। मैं यही कहना चाहूँगी 22 को सारे थिएटर खुल रहे हैं, तो 29 को टिकट खरीद के पहुँच जाना देखने के लिए। तो नेक्स्ट पिक्चर में एज ए लीड भी है,
एज ए प्रोड्यूसर भी है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, इतने शुभ दिन पे इतना अच्छा अवार्ड मिला है तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ बस मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग 29 को थिएटर तक पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप हमें हिम्मत देंगे तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, प्लीज़ थैंक। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ काम करने वाले लोगों को, हेल्थ इंडस्ट्री को। मेरा नाम राजाराम त्रिपाठी, मेरे माता पिता के संस्कारों की वजह से आज 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती मनाई जाती है पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो विख्यात है, उस पर्व के दिन मुझे गांधी रत्न अवार्ड मिला। तो मैं फिर से ऑर्गेनाइजर कृष्णा जी सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष चलने की कोशिश करेगा। जय हिंद जय भारत। क्यों क्यों दिया गया आपको ये अवार्ड, क्या राजा? मुझे इस अवार्ड को इसलिए दिया गया है कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, समाज सेवा में काम करता हूँ और समाज सुधार में मेरा योगदान रहता है। हमारे यहाँ एक रैंक होता है, हायर रैंक जो हमारे पोजीशन कहे जाते हैं, रैंक के हिसाब से वो हमारा रॉयल डायमंड रैंक है और वो रैंक मिलने की वजह से इस पोस्ट को मुझे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया वालों को खास करके धन्यवाद, जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते वहां ये लोग पहुंच जाते हैं और सारी दुनिया को जानकारी देते हैं, इसके लिए मीडिया वालों का सबसे पहले शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। और मेरे मिस्टर का मेहनत और लोगों का साथ और इनका विश्वास हमेशा साथ बना रहे, हम यही हमेशा बोलते रहेंगे और आप लोग का साथ भी रहे साथ में, थैंक यू। देखिए जब ऐसे मौके पर जब अवार्ड मिलता है तो वो दिन तो शुभ होता ही है और हमारे लिए भी एक वो हो जाता है कि हमें और मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं तो हमें अपनी काबिलियत पर और काम करना है कि भाई ताकि हम हर साल कुछ ना कुछ आपके ज़रिए आप लोगों के ज़रिए अवार्ड ले। ये अवार्ड हमें तो मिलता ही है लेकिन सबसे बड़ा योगदान आप लोग का होता है, क्योंकि बिना आप लोगों के हम कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। कोई भी एक्टर बिना ऑडियंस से कुछ भी नहीं होता है। और ये आज बहुत खुशी हो रही है मुझे ये अवार्ड लेकर, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट अवार्ड, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। और ये अवार्ड मैं साथ में अपनी डॉटर को इसलिए लाया हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी हमेशा लकी होती है, तो और लकी चाम मेरे साथ है। तो और हाल बहुत अभी तो ये तो मेरा छोटा मोटा अवार्ड है मेरे लिए, लेकिन ये बड़े बड़े अवार्ड लेगी क्योंकि आजकल ये मुझे क्रॉस कर रही है, इतना क्रॉस कर रही है, एक से एक आइटम कर रही है, पता नहीं है, मैं मुझे डर लग, इससे खतरा हो पैदा हो रहा है मुझे कि अभी हर चैनल पर मैं अभी क्या बताऊँ, बोलूँगा नहीं मैं, अभी आप खुद देख लेंगे थोड़े दिन के बाद। वैसे डैड के नक्शों कदम पर ही चलना चाहूँगी और ये मतलब डैड और डैडी होता है, बेटी बेटी होती है कभी भी। और बस आई एम ऑल्सो विशिंग कि मैं डेब्यू मेरा हो चुका है अभी रिसेंटली डिस्कवरी प्लस पे, मैं एक शो कर रही हूँ और आगे और भी करते रहो, आप लोगों का साथ और आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। और यू नो मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं ये अवार्ड लेकर जाऊँ। आज गांधी जयंती क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे दोस्तों को? यही कहूँगा कि बापू ने हमेशा यही कहा कि आप अपने आस पास साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत ये केवल लिखा ही नहीं जाता है, इसको अपनाइए आप। और काफ़ी हद तक हो चुका है, आज एक ज़माना था आप जानते हैं कि सिर्फ दीवारों पे लिखा जाता था कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत, लेकिन आजकल हम लोग स्पेशल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज हम लोग डब्बा ढूंढते हैं, कचरे का डब्बा ढूंढते हैं डालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर जागरूकता जागी है बापू के जरिए। तो आप सभी भी जितने भी लोग हैं, अगर आपके आस पास कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं पर भी गंदगी फैल रही है तो प्लीज़ आप लोग उसे संभालिए, उसे देखिए, उसे सिखाइए कि क्या करना क्या नहीं करना है। और ये कहूँगा बापू की जय हो। आज कृष्णा जी ने यहाँ पे बुलाया था, एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने कहा कैसे भी आपको आना है, प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है और हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मैं पहली बार आ रही हूँ और सही में सबको मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मासूम जी का भी शुक्रिया जो कि दोनों मिलके मुझे बुलाने के लिए आए थे, हमेशा बुलाइएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे मिलना होता है। आप सबको शुभेच्छा देती हूँ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उनको भी नमन करती हूँ, धन्यवाद।